गेहूँ काटवा की और बंधाई की, साथ में बंडल भी बना दे। गेहूँ में एक बीघा हम लगभग 2-2.5 हजार रुपया मजदूरी लगे, बिक लिया मशीन है जगह 1,000-1,200 रुपया हम काम करवा दे। एक घंटा में 300-400 बीघा की लावनी आ कर दे। यहाँ की कोई माए परेशानी भी कोई नहीं, मशीन ने कह आराम चला सके है। आंधी आ जाए काट के गेर दे, लेकिन आंधी कमान वापस उड़ जाए तो रिपर कंपनियां सोचो और साथ कमान रिपर का बाइंडर भी ऐड करो। राम राम जी, मैं खुशबू जिल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ लक्ष्मणगढ़ शहर के अंदर, मैं पहुंची हूँ और के मकसदों में लक्ष्मणगढ़ शहर के अंदर आज पहुंची हूँ। मन पतो लगे कि भाई अभी इसे बहुत ही बढ़िया एक सर्विस है वह मिल रही है। क्या सर्विस मिल रही है मैं बता दूँ कि थोड़ा दिन में अभी जो आपने लावनी है वह आने वाली है, फसल है वह कटने वाली है, जैकि ज़्यादातर जो फसल आपने पास में बाई जा है वह गेहूँ है। तो गेहूँ काटन की आजकल यह प्रॉब्लम हो रही है कि कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, खेत बारे ही पर वह लोगों ने इतना टाइम को नहीं कि वह काम कर सके खेत में। तो बाकर ये बहुत ही एक अच्छी मशीन है वह मेरे लेके आए हैं और जो लक्ष्मणगढ़ शहर के अंदर पहुँचे हैं। अभी दुकान का नाम है बालाजी एग्रो सर्विसेज। तो अभी जो इतने गेहूँ काटन की जो मशीन खड़ी ही बिके बारे में जानागा दिखावागा कि भाई कैसे के गेहूँ ही भाई काटा जा ही। अभी अपने साथ में बाबूलाल जी खिचड़ी आऊँ, आप बातचीत करांगा। बालाजी एग्रो सर्विसेज में आपको भी स्वागत है। अपा बात करा तो जो बालाजी एग्रो सर्विसेज जो थे एक शॉप बना रखी है, थारे कने या क्या क्या मशीन है अभी? गेहूँ काटवा की और बंधाई की मशीन है, गेहूँ काटवा की और बंधाई की, साथ में बंडल भी बना दे। आप बात करा तो जो यह मशीन है, यह मशीन कौन सी कंपनी की है? शक्ति किसान कंपनी की है और इंडिया का माय आ एक नंबर पर है। शक्ति किसान जी की कंपनी है, वह एक नंबर पर है। कड़िया की क्या कंपनी है? आरतिया है और बटैया की फैक्ट्री है, खूब 40 एकड़ में की फैक्ट्री है और रिपर बाइंडर को और 10 साल का लगभग होगा इन कामकर्ता 10 साल से रिपर बाइंडर का ऊपर काम कर रही है। शक्ति किसान जो रिपेरिया जो मशीन है ये बना हुई है, थारकन अभी फिलहाल गेहूँ काटन की मशीन उपलब्ध है? हाँ, एक गेहूँ काटन में ही थोड़ा सो ज्यादा जोरा हुआ चढ़ा ही बहु पाड़ रही, सरसों भी खड़िया खड़िया काट रही, कई यहाँ कहे कि 5 बीघा जमीन में सोची कि भाई गेहूँ बालना तो खाना भी। हाँ, गेहूँ के गेहूँ मजदूरी ज़्यादा लगे, गेहूँ में एक बीघा हम लगभग 2-2.5 हजार रुपया मजदूरी लगे, बिक लिया मशीन है जगह 1,000-1,200 रुपये हम काम करवा दे। ट्रैक्टर है बीघा जोड़ की दो हो या कौन दो? नहीं, ट्रैक्टर का पूरी फिट करके दे। हाँ, और बीघा बाद में किसान ने हर चीज़ के बारे में समझावा, कटे ग्रीस हो है, कटे नट बोल्टों को ध्यान रखनू है, क्या इको रख रखाव करना है, हर चीज़ समझा के बीघा बाद में किसान ने फील्ड में उतरने के लिए बोला, पूरी तैयारी के साथ सागे उतरो। ट्रैक्टर का मशीन आगे लगाओ जना सही रहे, पीछे लगाओ जना सही रहे? देखो, क्योंकि कई आगे पीछे लगाओ करें। दो मशीन ही, एक फ्रंट की है और एक बैक की है, जबकि ट्रैक्टर के पीछे लगे वहाँ मशीन की रेट कम है 5,000 और एक ही मशीन की रेट ज्यादा है। वो किसान के ऊपर डिपेंड करे कि वो कौन सी ज्यादा पसंद करे या कौन सी ज्यादा चला, पिछड़ी मशीन है जबकि बैक चला की पीछे देख की चलानी पड़े, तो कई किसानियाँ का भी ही जगह पिछड़ी पसंद करें और कई किसान ही जगह फ्रंट की मशीन। कत्ता घंटा में कत्तो बीघा को यह जो गेहूँ ही काट दे? एक घंटा में 300-400 बीघा की लावनी आ कर दे, कटाई और बंधाई दोनों। अच्छा अच्छा, 300-400 बीघा की काट भी दे और बांध भी दे। कई किसान ही जगह पहले से आन जगह नॉलेज है, वह किसान 500-500 बीघा तक की लावनी पिछले साल करी है। तेल है वह कितना खाए? लगभग एक बीघा को 80-90 रुपये को तेल को खर्चो है और लगभग एक बीघा को 100 रुपया को इसकी रस्सी को खर्चो है, जबकि रस्सी का माँ यूज हो है बीघो 100 रुपया को खर्चो है, लगभग एक बीघा को 200 रुपया को खर्चो है और किसान खेत आला कनू किसाना कनू 1100-1200 यानी हजारों ले कि 1200 रुपया तक पैसा लें। कठियों या काटा है कड़े ये पूरी बंदी ही कह कैसी को जो सिस्टम है वो चलना है? देखो, 7.25 फीट की मशीन है, अठीनू लेकर अठा तक पूरी कटाई करा, 7.25 फीट में पूरी कटाई कर सी, बीके बाद में अठीन सू कटाई करे जो को माल अठिया जागो और अठिया सू जगी काटेगी वो अठिया जागो। अच्छा। और पूरो माल पीछे जागी अठे बंडल बंदे को। कई लोगा की सो मोटी प्रॉब्लम हुआ है कि भाई चलो मशीन तो आप कटवा ले सा पर ऊंचाऊ काटेगी, बड़ा बुजुर्ग अरे भाई मत बुला है तो ऊपर काटेगी बस ज्यादा नीचे काट देगी माटी आ जाएगी वो तुड़ो आदो बीजा ही रह जाएगा कई लोग। नहीं नहीं नहीं, यहाँ की कोई बात को नहीं, एक ऊपर नीचे ऊपर काटवा को डिपेंड करे ड्राइवर और खेत पर। अगर खेत बढ़िया है, रोटावेटर बैठा ही कल्टियों बैठा ही खेत समतल है तो बहुत ही बढ़िया लावनी करेगी। ड्राइवर अगर बढ़िया है
अगर भी वो हाथ सेट है मशीन के ऊपर या वो चलाएड़ो है या हाथ सेट होना भी को कम टाइम लगा, जल्दी वो सेट कर ले आपका हाथ ने नया आदमी है तो बहुत ही बढ़िया कटाई करेगी, डेढ़ इंच और डेढ़ और दो इंच के बीच में कटाई करेगी। कई लोग अलग अलग ट्रैक्टर है, अब कई यहाँ सोचेगा कि भाई एक ही ट्रैक्टर का लगती होगी तो फिर कौन सा ट्रैक्टर का भी अलग अलग नाम आवे ही। तो कोई भी ट्रैक्टर का लग सकता, कोई भी ट्रैक्टर का लगाओ 30 हॉर्स पावर ट्रैक्टर ऊपर होना चाहिए। कंपनी सारा पार्ट्स है वह खुद बनावा है, हाई क्वालिटी मटेरियल जो होया कर रहा है अभी का पार्ट्स ही मशीन का माने यूज करा जाए। बहुत सारी कंपनियां का माने कि रिपेयर आवे हैं लेकिन बाकी साथ समस्या आ रही है पिछले 2-3 साल से 4 साल से कि मशीन चल रही है लेकिन वहाँ मान मेंटेनेंस संबंधित चीज है बाकी समस्या आ रही है या टूट फूट से संबंधित समस्या आ रही है। लेकिन पिछले 4 साल से जो हमारे शक्ति किसान रिपेयर बाइंडर जो है बाको बहुत बड़ो आरएनडी डिपार्टमेंट है वह हमेशा जो किसान ही बासों बाको आरएनडी डिपार्टमेंट अठे आके किसान से खुद आके पूछता मारसू फीडबैक लेबा के लिए अठे बुलाता आके बताता कि मशीन में क्या समस्या आ रही है हमें बताता। अभी के ऊपर फुल इंजीनियर से वह काम करे है और पिछले 3-4 साल से बहुत ही शानदार मशीन वह अपने सामने पेश करी है और बढ़िया तरीका से काम कर रही है 3-4 साल से। जो नयो किसान है वो 300 बीघा तक आराम से एक सीजन का मान फसल काट सके। हमारा जो पुराना कस्टमर ही बाकी हम फीडबैक लिया हाँ पिछले साल और भी 20 पिछले साल 3 साल से मार्केट का मान मशीन चल रही है, अगर 1 साल से पुराना कोई भी कस्टमर है तो वो 500 से 600 बीघा तक आराम से काट ले। नयो किसान है तो भी जरूर थोड़ी बहुत समस्या आएगी तो मैं भी फोन पर सोल आउट करवा की पूरी कोशिश करा, फिर भी अगर कोई दिक्कत हुआ तो अठाऊँ जाके मैं किसान तक भी सर्विस देवा की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज 10 साल पहले या 5 साल पहले मशीन आया करती रिपर वा सिर्फ रिपर ही नाम से आया करती भी को काम वो सिर्फ काट की गेट देती बाद का मान हाथ सू बांधनू पड़तो समस्या क्या हाँ समस्या क्या आया करती ये टाइम पर हनी बरसात को है आंधी को है टाइम होया करे लेकिन काट की तो हाँ ब्याह भी है जरूर तो लोग ना तो टाइम को नहीं हुआ आंधी आ जाए काट के गेर दे लेकिन आंधी का मान वह फसल उड़ जाए तो इपर कंपनियां सोचो और साथ का मान रिपर का बाइंडर भी ऐड करो। बाइंडर को काम है मतलब जय पूरो काटेगी मशीन गेहूँ जती दूर में काटेगी और बाद में बिन बांध की तुरंत पुली बांधेगी जय हाथ सो काट के आप बांधे करा सेम बी तरीके से बांधेगी बी साइज में बांधेगी बिल्कुल तरीके से पुली बांधवा की मोटाई और पतलाई की बात कर रहे हो तो एक पीछे सेटिंग है एक स्प्रिंग है बिसो आप मशीन जो पुली है भी की मोटाई कती मोटी बांधनी है पतली बांधनी है बा मतलब है आप खुद सेट कर सका कि अपनो माल है जो गेहूं है वो कटता करता बठे जाके धीरे धीरे ए पट्टा ही तीनों पट्टा का मान गेहूँ छोटा है बड़ा है बस सारा इकट्ठा होगी एक तरीका से जो पूली बनाया करे वह पूली जाके इकट्ठी हो जाएगी इकट्ठी आके और इसे वो नोटर है वो नोटर काम करे जाए अपने हाथ सिलाई की मशीन काम करा करे ने कि जैसे कपड़ों सिल दे भाई आज जो अपनी पूली है बिन सीमा को काम या बांधवा को काम वो नोटर है वो नोटर आराम से कर देसी बाद का माने के ब्लेड लागे या ब्लेड सो रस्सी ने काट की और साइड का माने फेंक देसी पूरी। अपा मेंटेनेंस की बात करें तो कितनों के ऐसी की देखो खुशबू जी एक मान कंपनी है वह जीरो मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं लेकिन फिर भी मैं बता दूँ मेंटेनेंस पिछले 3 साल से मैं यूज कर रहा हाँ नेक के बराबर मेंटेनेंस आवे है ब्लेड है जो ब्लेड है वो पूरी सीजन का मान पूरी ब्लेड काम दे देगी फिर भी अगर खेत में कोई पत्थर बड़ो पत्थर छोटा पत्थर में तो हालांकि हाई क्वालिटी जो मटेरियल है ब्लेड का मान या पूरी मशीन का मान प्रयोग गया है तो नॉर्मल जो पत्थर है या कोई चीज़ आ जा भी ब्लेड वगैरह कोई नुकसान को नहीं पूछा फिर भी कोई बड़ो पत्थर आ जा तो ब्लेड में थोड़ा बहुत नुकसान हो सका तो ब्लेड की जो पत्ती ही कमान छोटी छोटी लगेड़ी एक पत्ती निकल की दूसरी पत्ती आप लगा सका बाकी मेंटेनेंस में कमान कोई मेंटेनेंस को नहीं टाइम टू टाइम इसमें एक मान ग्रीस करना पड़े किसान जो आवे भी मैं पूरी चीज़ बताऊँ कि ग्रीस का ले जो भी पॉइंट ही वहाँ पॉइंटा कमान बता दें कि उरे उरे टाइम टू टाइम ही कमान एक दिन से ग्रीस करना एक कमान 2 घंटा से ग्रीस करना सारी चीज़ में बता दें बाकी मेंटेनेंस नाम पर कोई चीज़ को खर्चों को नहीं। थारा चैनल के माध्यम से आई कहना चाहूँ कि मार्केट में अगर कोई रिपर बाइंडर कोई किसान है या थारा व्यूअर ही लेने के बारे का मान सोच रहे हैं तो मैं हालांकि हमारा जो कस्टमर है पुराना वहाँ का फीडबैक के अनुसार बता रहा हूँ हालांकि मेरे ही मुँह से वहाँ बताने की बात अच्छी को नहीं लेकिन हमारा जो कस्टमर है वहाँ का फीडबैक के अनुसार बता रहा हूँ आज का दिन एक मशीन सो शक्ति किसान बाइंडर की जो मशीन है इस बढ़िया मार्केट मान कोई दूसरी मशीन है को नहीं। जो भी किसान अगर लेने के बारे का मान सोच रहे हैं तो वह मानस सेवा को जरूर एक बार मौको दें। अभी काफ़ी लोग ही भाई काफ़ी बड़ा बुजुर्ग सब देख रहे हैं युवा भी देख रहे हैं मैं सोची कि भाई आप भी मशीन ना खरीदा बस थार तक पहुँचने खातर थार को मशीन खरीदन खातर कहें से के पहुँच सकें कोई एड्रेस पतो पर थोड़ा डिटेलो बताओ ताकि बाकी समझवा। देखो खुशबू जी बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज नाम से हमारी फर्म है वो लक्ष्मणगढ़ में है
और अगर मैं प्रॉपर एड्रेस की बात करूँ तो लक्ष्मणगढ़ जो फ्लाईओवर है और मोदी कॉलेज अभी के बीच का मानवारिया शॉप है, फर्म है, और विनायक धर्मकांटा के सामने है। और अठे थे आओ आके ऑफिस में मिलो, मशीन के बारे में मान पूरी जानकारी प्राप्त करो। अभी मन अड़े आने के बाद में ही पता लगे है कि भाई ये बीजा मशीन है, अड़े लेके गए रही मशीन के बारे में नॉलेज है। एक तो जो की मशीन है जो की मैं काफी दिन से चला रही हूँ, पहले रिपर चला तो 10-11 साल से चला तो आ रही हूँ मैं, और अब करीबन 3 साल से बाइंडर रिपर चला रही हूँ। काटा भी है और बानने भी है। अब बाबूलाल जी के कनू मैं आ देखी जना आ लेर गयो, क्यों एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो ई मामला के हम जना मन बढ़िया लगी बढ़िया। और अब जो कि कटाई जो कि बढ़िया है जो कि आदमी जिया करें ने भी साबू आ मशीन है जो कि कटाई करे, यहाँ की कोई भी माए परेशानी भी को नहीं कहकर मशीन ने कह आराम चला सके है। और तो बढ़िया काम कर रही है मशीन, शायद एक अनुसार कोई दूसरी मशीन मान तो आ ले इसमें टॉप मिली को नहीं। बालाजी एग्रो सर्विस से जी ये जो दुकान को नाम है और जो फोन नंबर ही, और साथ साथ में ही मैं बताना चाहूंगी जितना भी मेरा किसान भाई देख रहे हैं, बड़ा बुजुर्ग जो भी लोग देख रहे हैं भाई, वीडियो ने शेयर करी और हर किसान तक ये वीडियो पहुँचाई ताकि वह भी ये जो मौको है को फायदा उठा सकें कि भाई मशीन ही वह ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम को सोर्स है वो अपनों बढ़ा सकें। वीडियो है इन शेयर करना है जितनों थे शेयर कर सको, और वीडियो के बारे में क्या क्या थे सोच रहे हो वह कमेंट में कमेंट करके थे मैंने ज़रूर बताऊँगा। जय हिंद, जय राजस्थान।